टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, टूट जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों हेलो माय फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि पास्ट एडजस्टमेंट में एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको बड़ा क्वेश्चन कराएंगे और बातें आपकी क्लियर कर देंगे। आई होप आपने हमारी पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। देखो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा तो ये वीडियो इररिलेवेंट हो जाएगी आप सबके लिए। तो माई फ्रेंड्स, आप प्लीज़ जाके पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना हमारी क्लासें बेकार हैं। हमारी क्लासों का मजा ही क्या है अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ेंगे तो, क्योंकि जो मेहनत होती है सारी, जो जान लगाते हैं हम, वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए। तो आप पहले कॉन्सेप्ट देखिए मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। आओ हम क्वेश्चन करते हैं, अच्छा मसालेदार क्वेश्चन। नमक मिर्च तो नहीं है इस क्वेश्चन में ज्यादा, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के जरिए सारी बातें हम समझा देंगे आपको। देखो, बड़ा भी कर दिया हमने इसको, क्वेश्चन पढ़ना मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है, ऑन 31 मार्च 2019 बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ इलीन, मोनू और अहमद, मतलब तीन पार्टनर है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग वर 1,60,000, 1,20,000, रुपीज 80,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग हैज बीन ओमिटेड। ठीक, प्रॉफिट है 40,000 रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर इलीन एंड मोनू ईच विड्रॉ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अच्छा, अहमद विड्रॉ अ टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्या सारे बच्चे पहले मैं क्वेश्चन समझाऊँ आपको? हाँ सर, आप मुझे क्वेश्चन समझाइए। देखो देखो मेरे दोस्त, तो ये डेटा दे रखा है हमको 2019-20 का डेटा है ना। अच्छा ठीक, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का डेटा हमें दे रखा है। अच्छा, 31 मार्च 2019 का डेटा दे रखा है, मतलब 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का डेटा दे रखा है। क्या दे रखा है? कहते हैं फर्म ने इस साल, पूरे साल के अंदर फर्म ने प्रॉफिट कमाया, पूरे साल फर्म ने काम किया और फर्म ने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोल रखा था सारे बताओ, क्वेश्चन ने कितना प्रॉफिट बोल रखा था? सर क्वेश्चन ने कितना बोल रखा है? देखो 40,000 क्वेश्चन ने कह रखा था, 40,000 माय फ्रेंड्स प्रॉफिट। ठीक, और क्वेश्चन ने बताया क्या बोल रखा है? क्वेश्चन ने बोल रखा है, जो भी पूरे साल में प्रॉफिट आता है उसमें से, पता है क्या होना चाहिए? उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए पार्टनर को। आपको मेरी बात समझ आ रही है? पता है कितने परसेंट? 10% मिलना चाहिए। और क्वेश्चन में लिखा है, अगर पार्टनर कोई भी ड्राइंग करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होना चाहिए। कितने परसेंट? 5%। यही तो लिखा था ना क्वेश्चन में? हाँ, मतलब क्वेश्चन में कहता है पूरे साल में अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर 10% का पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे, और जो पार्टनर विड्रॉ करेंगे पार्टनर को फर्म को देना पड़ेगा। इट्स सो सिंपल। अब क्वेश्चन में आपको पता है क्या बोल रखा है?
क्वेश्चन ने कह रखा है, ध्यान से देखना, कि पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है आपको क्लोजिंग, इस डेट की कैपिटल दे रखी है आपको। इस डेट पे कौन कौन पार्टनर है मेरे दोस्त, बताओगे क्या? एक है इलीन, एक है मोनू, और मेरे दोस्त एक आपका पार्टनर कौन सा था, अहमद, ठीक है। इन तीनों की कैपिटल कौन सी डेट की दे रखी है, ईयर एंड पे, ईयर एंड मतलब 31 मार्च की उन्होंने आपको कैपिटल दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है इसकी, उसने दे रखी है 1,60,000। अच्छा, इसको थोड़ा ना इधर लिख देता हूँ, वरना मैं एडिटिंग के टाइम पे यहाँ पे मेरी आ जाती है मुंडी, तो बच्चों को दिखाई नहीं देता। मैं बच्चे थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 31 मार्च का डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ने इलीन, मोनू और अहमद की कैपिटल दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है। इलीन की मेरे बच्चे दे रखी है क्वेश्चन ने 1,60,000, थोड़ा साफ पेन से, इलीन की दे रखी है 1,60,000, इसकी दे रखी है 1,20,000, एंड माय फ्रेंड्स अहमद की दे रखी है 80,000। क्या मेरे दोस्त कोई दिक्कत है, उसने आपको कैपिटल दे रखी है। बताओ सारे, ये कैपिटल साल के शुरू की है कि एंड की है, क्या ये बैलेंस बीडी है कि सीडी दे रखा है, ये बैलेंस सीडी दे रखा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये है मेरा दोस्त बैलेंस सीडी दे रखा है क्वेश्चन ने आपको, ठीक। अच्छा, और क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, क्वेश्चन ने कह रखा है ये जो पार्टनर्स हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है क्या है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1, ठीक है, ये पार्टनर्स का ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मैं बैलेंस सीडी को ना थोड़ा सा साफ इधर लिख देता हूं ताकि मेरे पास थोड़ी जगह हो जाए, माय फ्रेंड्स यहां लिख देता हूं मैं बैलेंस सीडी, ये इनका है बैलेंस सीडी। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन पता है क्या कहता है, अब क्वेश्चन की बात सुनना, इसको मैं लिखूंगा थोड़ा अच्छे से और बिल्कुल ध्यान से देखना, हरे पेन से लिख रहा हूं, हरा पेन मतलब यहां पे बिल्कुल सेपरेट, ये डब्बा बना के। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को ही साथ में पढ़वाता हूं, देखो 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 मेरे दोस्त, यहां से क्वेश्चन पढ़ना, कहता है 31 मार्च को कैपिटल दे रखी है इलीन की, मोनू की, अहमद की, क्या मैंने तीनों की कैपिटल आपको दिखा दी। उसने कहा हमने प्रॉफिट और ड्रॉइंग को एडजस्ट कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन में ना ये भी दे रखा है कि पार्टनर्स ने ड्रॉइंग भी करी है, कुछ पार्टनर ने ड्रॉइंग भी करी है। अब ड्रॉइंग कितनी कितनी करी है वो देखो यहां पे दे रखा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कह रखा है इलीन ने ड्रॉइंग करी है 24,000, और अपने मोनू भाई ने ड्रॉइंग करी है 24,000, और क्वेश्चन ने बोल रखा है अहमद भाई ने ड्राइंग करी है 48,000। बताओ ड्राइंग करने से कैपिटल कम होती है कि बढ़ती है, कैपिटल कम होती है। क्या ये जो बैलेंस सीडी है इसमें से ऑलरेडी ड्राइंग माइनस होगी? हाँ सर, कैपिटल अकाउंट भूल गए क्या? कैपिटल अकाउंट याद करो, कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट हुआ करता था ए बी सी, यहां आता था बाय बैलेंस बीडी, और यहां पे क्या होती थी ड्राइंग माइनस होती थी, तभी तो जाके आता था टू बैलेंस सीडी। ये आपको ये वाला डेटा दे रखा है इसने, तो क्या मेरे दोस्त ड्राइंग माइनस होगी? ये ड्राइंग माइनस होगी। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, कहता है जो बैलेंस दे रखा है कैपिटल अकाउंट में वो दे रखा है 31 मार्च का, ठीक, इसमें प्रॉफिट और ड्राइंग एडजस्ट हो रखी है, हमें तो पता है। क्या क्वेश्चन ने बताया कुछ अलग बात बताई? हमें तो ये बात पता थी कि जब भी ये बैलेंस सीडी आता है यहाँ पे प्रॉफिट भी एडजस्ट हो रखा है, मतलब प्रॉफिट भी बांट रखा है और ड्राइंग माइनस कर रखी है ए बी सी में से, ठीक है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है ड्राइंग माइनस कर दी है, प्रॉफिट ऐड कर दिया है। अच्छा, आगे पढ़ो, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब पास्ट हो गया, कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई मेरे दोस्त, देखो, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग हैज बीन ओमिटेड
ओ माई गॉड, ये दो चीजें तो वो देना ही भूल गए। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो देना ही भूल गए। उन्होंने पता है क्या किया, प्रॉफिट को डायरेक्टली बांट दिया और ड्राइंग माइनस करके बैलेंस सीडी निकाल दिया। इंटरेस्ट भी मिलना था प्रॉफिट में से, ड्राइंग भी कटनी थी, ये तो वो भूल गए। आओ मेरे दोस्त, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे सारे सारे दोस्त मेरे साथ साथ देखेंगे। देखो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। देखो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। पता है क्या होना था? ये प्रॉफिट था 40,000 रुपए का, ठीक है, इसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। किनको मिलना था? अपना इलीन भाई को भी मिलना था, मोनू भाई को भी मिलना था, अहमद को भी मिलना था, और पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनसे लेना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना था, किससे? इलीन भाई से भी, मोनू से भी, अहमद से भी। फिर जो प्रॉफिट आता वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इलीन में, मोनू में और अहमद में, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन उस नालायक अकाउंटेंट ने पता है क्या किया, उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर ही नहीं करा, इसको कंसीडर ही नहीं करा, इस 40,000 को उसने डायरेक्टली बांट दिया। क्या उसने गलती करी? द आंसर इज यस, उसने गलती करी। अब हम इसको सही करेंगे। आओ मेरे फ्रेंड, सही कैसे करते हैं मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताऊं। देखो जो आंसर होगा मेरे फ्रेंड्स, आंसर में आपको एक जर्नल एंट्री ही पास करनी होती है, बस एक जर्नल एंट्री बस। इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। लेकिन ये जर्नल एंट्री क्या होती है कि किसको ज्यादा मिलना था, किसको कम मिला, और किसको कम मिलना था, किसको ज्यादा मिला, ये निकालना। इसको निकालने के लिए मेरे दोस्त मैं आपके साथ एक टेबल बनाऊंगा, आप सब मेरे साथ साथ देखेंगे। टेबल बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, बिल्कुल ध्यान से मेरे बच्चे। टेबल बड़ी आसान, ये टेबल है क्या भगवान कृष्ण का प्रसाद? देखो मेरे फ्रेंड्स, पहले देखना टेबल कैसी है, उसके बाद बनाना। देखो टेबल में सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स, ठीक, उसके बाद कितने पार्टनर हैं इस क्वेश्चन में, इलीनी, मोनू, अहमद। तो मैं पता है क्या करूंगा, एक इलीनी का डब्बा खोलूंगा, एक मोनू का डब्बा खोलूंगा और एक अहमद का डब्बा खोलूंगा। पहला डब्बा किसका? पर्टिकुलर्स का। उसके बाद जितने पार्टनर है, क्वेश्चन में दो पार्टनर होंगे तो केवल दो ही डब्बे खुलेंगे, इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर थे तो तीन डब्बे खुले। क्या सर कभी कभी चार पार्टनर भी होते हैं? देखो होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उसके ना बहुत रेयर हैं, वन टू रेयर हैं। अगर चार हैं तो चार डब्बे खुलेंगे। देखो एक इलीनी का, इलीन, मोनू का और एक अहमद का। सर आपने तो ये चौथा भी खोला है। हाँ माई फ्रेंड्स, पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर उतने डब्बे, और एक लास्ट में एक और खोलना, वो होगा फर्म का, फर्म के नाम का। तो आप मेरे समझ रहे हैं कितने डब्बे खोलने हैं? एक पर्टिकुलर्स, उसके बाद जितने पार्टनर तीन डब्बे, एक पर्टिकुलर्स, तीन पार्टनर, तीन डब्बे, और पांचवा डब्बा किसका? पांचवा डब्बा होता है मेरे फ्रेंड्स फर्म का। तो यहां कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच डब्बे मैंने खोल दिए। अच्छा पर्टिकुलर्स को ऐसे ही रहन दो, पर पता है इन सब के अंदर एक और डब्बा खोलो, इन सब के बीच में लाइन बनाओ। ओ, इन सब का पेट फाड़ा जा रहा है, इन सब के बीच में लाइन बन रही है। एक है डेबिट, एक है क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्या मेरे दोस्त आपको ये डब्बा बनाना आ रहा है? क्या मेरे दोस्त आपको ये डब्बा बनाना आ रहा है? डब्बा बना रहे हैं हम एकदम साफ साफ। मेरे दोस्त कैमरे की मुझे लग रहा है कि बैटरी लो हो जाएगी।
अगर ये वीडियो स्टॉप हुई तो हम अगली में इसको कंटिन्यू कर देंगे, हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि ये ना हो, ठीक है। आपको मेरा डब्बा बनाना समझ आ रहा है मेरे दोस्त? देखो, एक है पर्टिकुलर्स, उसके बाद इलीन। इलीन का मतलब एक पार्टनर, पार्टनर के अंदर दो साइड। ये पता है हम क्या बना रहे हैं? ये इलीन का कैपिटल अकाउंट ही है, ये जो बन रहा है ना, ये इलीन का कैपिटल अकाउंट ही है। पर क्योंकि हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, इसलिए ये वाली टेबल बनानी पड़ती है। इस टेबल से बड़ा फायदा होता है। ये इलीन की डेबिट साइड है, ये इलीन की क्रेडिट साइड है। बताओ, जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या होगी? क्रेडिट होती है। जब कैपिटल कम होती है तो क्या होगी? डेबिट होगी। ऐसे ही यहां पे होगा। किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया, अब उसे लेना है तो उसकी डेबिट करो, और किसी को कम मिला और उसको देना है तो उसमें क्रेडिट करेंगे। तो ये होता है डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। और एक फॉर्म, फॉर्म में भी आएगा, अभी मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है? क्या आपको ये फॉर्मेट समझ आ रहा है? हाँ सर। सबसे पहले मेरे दोस्त, क्वेश्चन में पता है क्या था? उन्होंने प्रॉफिट को ना बिना डिस्ट्रीब्यूट करे बांट दिया था। प्रॉफिट को उसमें से इंटरेस्ट नहीं दिया था। प्रॉफिट में इंटरेस्ट पहले देना था पार्टनर्स को, उसके बाद प्रॉफिट का बंटवारा होना था। इन्होंने क्या किया माय फ्रेंड्स, देखो जरा, इन्होंने पता है क्या किया? ये प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से आईओसी दिया ही नहीं, आईओसी दिया ही नहीं, डायरेक्ट बांट दिया। और पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि पार्टनर से लेना था वो लिया भी नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सारे पार्टनर से कहेंगे, जो जो तुमने प्रॉफिट लिए हैं सारे वापस करो। सबसे पहले हम क्या कहेंगे? जो जो तुमको प्रॉफिट दिए हैं, गलत दे दिए ना प्रॉफिट, सबसे पहले वापस दे दो, गलत प्रॉफिट को वापस ले लो माय फ्रेंड्स। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखो, प्रॉफिट टेकन बैक। मैं प्रॉफिट को वापस ले रहा हूं, तो प्रॉफिट टेकन बैक। अच्छा, प्रॉफिट वापस लूंगा तो माय फ्रेंड सारे बताओ, कैपिटल डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? प्रॉफिट वापस ले रहा हूं, जब मिलता है तो क्रेडिट होती है, जब वापस लूंगा तो क्या होगी? डेबिट होगी। डेबिट मतलब कम होगी। अच्छा, सबको प्रॉफिट कितना कितना मिला था, सारे बच्चे बताएंगे क्या? सारे बच्चे बताओ, 40,000 टोटल प्रॉफिट था, कितना कितना मिला होगा? तो प्रॉफिट मिला होगा 20,000, 10,000, 10,000, क्योंकि रेशो क्या है, 2:1:1। तो मैंने 40,000 अगर प्रॉफिट है टोटल का, तो सबको इतना इतना मिला होगा, 20, 10 और 10। अब मैं ये पता क्या कर रहा हूं, ये मैं वापस ले रहा हूं, देखो 20 इसकी डेबिट साइड पे डाल दिया, 20 इसकी डेबिट साइड पे डाल दिया, 10 आएगा माई फ्रेंड्स, 10 इसकी डेबिट साइड पे डाल दिया, और माय फ्रेंड 10 इसकी डेबिट साइड पे डाल दिया। आपने देखा, मैंने इसकी कैपिटल को भी डेबिट किया, इसकी कैपिटल को भी डेबिट किया, इसकी कैपिटल को भी डेबिट किया। क्यों? इनसे प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, इन सबको गलत बांट दिया था, अब इनसे पहले वापस ले लो। पहले कहो सब वापस दो, वापस दो, वापस दो, दोबारा से देंगे अभी हम, पहले वापस ले लो सबसे। तो कितना हो गया? 20, 30, 40। अब फर्म के पास ये 40 आ गए, अब फर्म के पास 40 आ गए ना, पहले फर्म ने सब बांट दिया था, फर्म खाली हो गई थी, फॉर्म जीरो थी, अब फॉर्म ने सबसे लिए, अब फॉर्म के पास कितने आ गए? फॉर्म की क्रेडिट में, फॉर्म की क्रेडिट में 40 आ गए, फॉर्म की क्रेडिट में कितने आ गए? 40 आ गए। अच्छा, अब पता है मेरे दोस्त, देखो, इनसे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेनी थी, इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेनी थी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेनी थी। तो सारे मेरे दोस्त बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेनी थी, इंटरेस्ट ऑन मेरे दोस्त, इसकी हो रही है बैटरी लो। हम आपको यहां पे मैसेज आ चुका है कैमरे की ओर से, इसकी जो पूरी सीरीज है हम आपको अगली क्लास में आपको कंटिन्यू कराते हैं। तो तब तक के लिए आई होप आप हमारी बात समझेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई क्योंकि बैटरी की वजह से, अगली में इसको माय फ्रेंड्स, तो मैंने बैटरी चार्ज करवा ली है, तो हम आ चुके हैं मेरे दोस्त। हम आपके साथ ये डिस्कस कर रहे थे
कि जो प्रॉफिट हमने दिया था किसको दिया था, इलीन को, मोनू को और अहमद को, उनसे वापस ले लिया। और वापस लेते हैं तो कैपिटल कम होती है, तो हमने देखो डेबिट कर दिया इनको। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, और देखो माई फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में लिखा हुआ था इनको ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पे करनी थी। इलीन, मोनू और अहमद को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को पे करनी थी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फर्म की इनकम होती है ना, देखो सारे बच्चे बताओ फर्म की इनकम होती है, तभी तो ये यहाँ जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये यहाँ पे आती है, ये फर्म की इनकम है। और कैपिटल में से डेबिट होती है, पूछो क्यों? क्योंकि पार्टनर्स का नुकसान है, फर्म की इनकम है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माई फ्रेंड्स, ये लोग ने, जो अकाउंटेंट था उस फर्म का, उसने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस ही नहीं करी कैपिटल में से, तो क्या हम करेंगे? द आंसर इज यस। तो सारे बच्चे देखो वर्किंग नोट नंबर 2, हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरे फ्रेंड्स निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो माई फ्रेंड्स इलीन की भी निकालते हैं, मोनू की भी निकालते हैं और अहमद की भी निकालते हैं। तो माई फ्रेंड्स देखो, सारे क्वेश्चन क्या कह रहा है ड्रॉइंग के ऊपर, कहता है ड्यूरिंग द ईयर इलीन एंड मोनू, इलीन और मोनू दोनों के बारे में बात कह रहा है, ईच विड्रॉ अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या मतलब हुआ माई फ्रेंड्स इसका? कहता है 24,000 टोटल सम निकाला इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच विड्रॉ। देखो माई फ्रेंड्स क्वेश्चन ने क्या कहा, देखो कहता है पूरे साल में, पूरे साल में, ये पूरा साल है, देखो अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे साल में ना देखो हर महीने वो लोग विड्रॉ करते रहे पैसे, हर महीने इलीन भी और मोनू भी। पता है इलीन ने पूरे साल में 24,000 निकाले और मोनू ने भी पूरे साल में 24,000 निकाले, तो क्या आप सब मुझे इंटरेस्ट बता दोगे? सर क्वेश्चन आपने जब हमें समझाया तो इंटरेस्ट कितना बताया था? देखो सारे बच्चे देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, देखो इलीन ने भी 24,000 ड्राइंग करी, मोनू ने भी 24,000 ड्राइंग करी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो सारे बच्चे क्या मुझे आप बता सकते हो कि इंटरेस्ट कितना आएगा? 24 इसकी, 24 इसकी, इंटरेस्ट रेट हमें पता है सर, इंटरेस्ट कितना है 5%। सर कितने मंथ के लिए इन्होंने ड्राइंग करी? सर यहाँ तो लगेगा एवरेज टाइम पीरियड। तो सर आपने हमें बताया था कि अगर ड्राइंग कब हुई है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ हुई है, देखो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग के केस में सर ने क्या बताया था, 12+1 मतलब 13/2, इसका मतलब 6.5। देखो बिगनिंग में हुई है, ये देखो अलग पेन से फिर से लिख के दिखाऊं, बिगनिंग के लिए सर ने क्या बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग सर ने क्या बताया था 1/2, ये कितना हो गया मेरे फ्रेंड 13/2 विच इज 6.5। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे आपको पता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो 6.5/12 और 6.5/12। अच्छा क्या इसका कैलकुलेट कर देंगे सारे बच्चे? हाँ, 24,000 इंटू में 5% इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 650 माय फ्रेंड्स, 650। एनी इशू माय फ्रेंड्स? सर नो। अहमद की भी देखो, अहमद ने विड्रॉ करा है 48,000। देखो यहाँ पे सारे बच्चे देखो क्या लिखा हुआ है, अहमद विड्रॉ अ टोटल सम ऑफ 48,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड के केस में सर ने क्या बताया था, क्या लगता है सारे बताओ कितना एवरेज पीरियड लगेगा एंड के मंथ में? एंड में करी है उसने, तो कितना लगेगा एंड में करी है? देखो उसने जब एंड में करी है माई फ्रेंड्स, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होता है 11+0/2, विच इज 5.5।
5.5। तो आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वाला मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में ये आ रहा है। 48,000 इंटू में 5% इंटू में 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ये माय फ्रेंड्स हो गया 1100। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये माय फ्रेंड्स हो गया 1100। अच्छा, ये इलीन, मोनू और अहमद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को, फर्म को देनी पड़ती है। तो मेरे दोस्त, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिडक्टेड, हम डिडक्ट करेंगे माय फ्रेंड्स, कितनी कितनी, यहाँ पे 650 माइनस करो, यहाँ 650 माइनस करो, और इसकी 1100 निकालिए, इसकी 1100। हम तीनों की डेबिट साइड क्यों लिख रहे हैं माय फ्रेंड्स? क्योंकि इनकी कैपिटल कम कर रहे हैं हम। अच्छा, 650 इसमें से कम किया, 650 इसमें से कम किया, 1100 इसमें से कम किया, तो फर्म की इनकम हो गई कितनी, 2400। आपने देखा फर्म की कितनी इनकम हो गई, अब 42400। अगर मैं माय फ्रेंड्स कहता, अगर ये लोग करेक्ट बांटते, ये सब हमें ना करना पड़ता, अगर ये लोग करेक्ट बांटते, तो करेक्ट बांटते, इसको मैं फ्रेंड में मिटा रहा हूँ, तो पता क्या होता, तो ये लोग पीएनएल में पता क्या करते, यहाँ पे लिखते बाय प्रॉफिट 40,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हमने जैसे निकाला इलीन का 650, मोनू का 650, और किसका, और कौन सा वाला पार्टनर था, अभी बताओ सारे बच्चे बताओ, अहमद, इसका 1100। अगर ये करते हम तो ये कितना आ रहा था, ये 2400। तो भी तो माय फ्रेंड्स फर्म के पास कितना आ रहा था, 42,400, और इससे क्या मिलता, 2 IOC और 2 प्रॉफिट। ये ऐसा करेक्ट ट्रीटमेंट होना था, पर उस नालायक ने ये भी नहीं करा और ये भी नहीं करा, तो इसकी वजह से हमें ये सब झमेला करना पड़ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्रॉफिट जो गलत बांट दिया था वापस ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लिया। अब फर्म के पास कितना आ गया, 42,400। अब माय फ्रेंड्स फर्म पता ही क्या करेगी, फर्म देगी, किस किस को देगी, अच्छा मैं ना वहाँ पे नहीं कर रहा, वहाँ पे जगह कंजेस्टेड है, हम साफ साफ करेंगे, कोई बात नहीं, हमें फिर से बनाना पड़ेगा, हम फिर से बना लेंगे। देखो मेरे दोस्त, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि हम इसी में वाला पार्ट आपको डलवा देंगे, तो आप लेकिन पूरी देखना। देखो मैं पढ़ाना चाहूँ ना तो बच्चों को, मेरे को पता है छोटी वीडियो अच्छी लगती है, बट मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप मेरी बात समझिए और इस वीडियो को पूरा देखना। इलीन, मोनू और ये, और चौथा मेरे दोस्त कौन सा खुलता है, फर्म का खुलता है, ये इलीन का, ये अपने मोनू भाई का, ये अपने अहमद भाई का, और ये अपना अपना देसी जन्म सिद्ध अधिकार वाला दोस्त, पर्टिकुलर्स। अच्छा तो मेरे दोस्त, अब मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे फिर हमने कहा था, सर ने कहा था क्या खुलता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है माय फ्रेंड्स, हाय हाय गंदा हो गया, ये गंदा हो गया, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, अरे भाई डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अच्छा देखो, हमने क्या किया था फ्रेंड्स, हमने प्रॉफिट टेकन बैक कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट करके फर्म में क्रेडिट साइड डाल दी। अच्छा, और माय फ्रेंड्स देखो, हम पता है क्या करेंगे, हम अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर, अब हम गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट टू पार्टनर, जब पार्टनर को मिलेगा अब, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी, अब पता है आपको, अब क्रेडिट होगी, और फर्म का अब नुकसान होगा तो फर्म का अब डेबिट होगा। अच्छा कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या सारे बच्चे बता सकते हैं मुझे? अच्छा देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन में ना आपको, क्वेश्चन में आपको अगर मैं बात करूं
तो पता है क्या दे रखा है? ध्यान से देखना मेरे दोस्त, जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी, ठीक। उसके बाद कुछ प्रॉफिट बांटते हैं, ड्रॉइंग लेस करते हैं और फिर बैलेंस सीडी आ जाता है। क्वेश्चन में आपको मेरे दोस्त पता है बैलेंस सीडी दे रखा है। देखो फिर से देखना, सर ने पहले भी बताया था आपको कैपिटल अकाउंट कौन सी डेट का दे रखा है? इस तारीख का। कितना कितना? 160, 120 और 80। ये देखो 160, 180 और ये माय फ्रेंड्स कितना है? अच्छा ये 120 है और ये 80 है। ये 120। तो मेरे दोस्तों पेपर क्वेश्चन ने पता है क्या क्या रखा है? ये बैलेंस सीडी है और क्वेश्चन ने ये भी बोल रखा है कि इसमें से ड्राइंग एडजस्ट हो रखी है और प्रॉफिट भी। तो ड्राइंग माइनस हो रखी होगी 24 48। और क्वेश्चन ने प्रॉफिट बांट दिया था कितना कितना? 20 10 10। आपके पास ये है मेरे दोस्त 184 आ गया, ये कितना आ गया? 144 आ गया, ये कितना आ गया? 128 आ गया। क्या आप मुझे ये साइड भी इतनी होगी 184 144 128, क्या आप मुझे बैलेंस बीडी नहीं बता सकते? पूछो मैं बैलेंस बीडी क्यों निकाल रहा हूँ, पहले बैलेंस बीडी निकालो फिर मैं बताता हूँ। तो आप निकाल सकते हो। तो ये बैलेंस बीडी कितना आएगा माय फ्रेंड्स? बैलेंस बीडी आएगा ये 1,64,000। इसके बाद ये वाला कितना आएगा? 1,34,000। और ये कितना आएगा? 1,18,000। 1,00,000 कितना आ रहा है ये दोस्त? 18,000 बिल्कुल। अच्छा माय फ्रेंड्स ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। पूछो मेरे दोस्त मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना था वो तो ओपनिंग कैपिटल पे मिलना था ना। अब क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल ही गिवन नहीं है तो हमें ओपनिंग कैपिटल पहले निकालनी पड़ी। आपने देखा मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाली, अब ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। मुझे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। मुझे इलीन की, मोनू की और अहमद की क्या पता लग गई ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी आई? सारे दोस्त बताओ 164। ये देखो मैंने यहां लिख देता हूं फ्रेंड्स 1,64,000। एंड माय फ्रेंड्स ये कितनी आई? 1,34,000। एंड अगेन माय फ्रेंड्स आप बताएंगे मुझे कितनी आई? 1,18,000। ये माय फ्रेंड्स क्या है? ये मेरे दोस्तों है आपकी अपनी ओपनिंग कैपिटल। इसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है 10% का। 10% 10% 10%। क्या सारे दोस्तों निकाल देंगे? 16,400, 13,400, 11,800। अरे अरे क्या हो गया इसको, ये 8 क्यों नहीं चल रहा? 11,800 ये मेरे दोस्तों इंटरेस्ट हो गया। इन तीनों का सम टोटल बता दोगे? 16,400 प्लस 13,400 प्लस 11,800 प्लस 41,600। अच्छा अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है क्या कर रहे हैं? ये पार्टनर्स को दे रहे हैं। देखो कितना कितना देना था माय फ्रेंड, सारे बताओ। 16,400 क्रेडिट साइड लिख रहा हूं, क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी इनकम है। 16,400, 13,400, इसके बाद कितना आया? 11,800, फर्म का नुकसान। ये तीनों का फायदा, अब फर्म का प्रॉफिट कम हो गया। कितना कम? 41,600। इसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, थोड़ा और साफ कर दूं इसको माय फ्रेंड्स। फर्म का नुकसान, बोलो क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि पार्टनर्स की इनकम तो फर्म का नुकसान, ठीक है। अच्छा माय फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगा? जो प्रॉफिट बचेगा
प्रॉफिट ट्रांसफर कर दूंगा टू इलीन, मोनू और अहमद में, मेरे दोस्तों। ठीक है, अब मेरे दोस्तों क्या फर्म का मुझे प्रॉफिट बता दो कितना बचेगा। फर्म के पास था ये 42,400 में से। अच्छा, ये इतना आया क्या? कितना आ रहा है ये? 41,600 और ये कितना था? 42,400 माइनस 41,600, दैट इज 800। फर्म के पास 800 का प्रॉफिट और बचा हुआ है। ये 800 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलीन, मोनू और अहमद में, और रेशो क्या है? 2:1:1। तो कितना आएगा? 400, 200 और 200। क्या आपने देखा मैंने क्या किया? सारे दोस्तों मैं फिर से बताता हूं आपको, क्वेश्चन ने कह रखा था कि हमने प्रॉफिट को बांट दिया, तो मैंने पहले प्रॉफिट को वापस ले लिया, डेबिट 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 वापस ले लिया। अब मैंने क्या किया, इंटरेस्ट इनकी में से डेबिट किया और फर्म की इनकम बना दी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बांटा और जो प्रॉफिट था वो मैंने बांटा। अब फर्म की साइड टोटल आ गई 42,400 और ये वाली साइड भी देख लो कितनी होगी, 42,400। फॉर्म का मेरे दोस्त दोनों साइडें मैच हो गई, फॉर्म के पास जितना आया उतना चला गया, फॉर्म का खत्म। अब पार्टनर्स का देखना है मेरे दोस्त हमें, क्या कि किस पार्टनर को फायदा हो रहा है, किसको नुकसान। देखो डेबिट साइड प्लस करो इलीन की 20,000, सारे बच्चे प्लस माइनस 20,650। आगे कुछ है क्या? नहीं, तो ये आ रही है 20,650। इसकी क्रेडिट साइड प्लस करो, क्रेडिट साइड कितनी है? 16,400 और ये 16,800। ओके ओके, ठीक। आगे देखो, आगे देखो इन दोनों की क्रेडिट साइड कितनी है? 13,600 और डेबिट साइड कितनी है, क्या मेरे को बता दोगे आप? डेबिट साइड है 10,650। इसकी ये कितनी है? 12,000। और इसकी ये वाली बता दोगे क्या मुझे? ये वाली है 11,100। सर आपने ये टोटल लगा के क्या किया? मेरे दोस्तों जिसकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है और क्रेडिट साइड कम आ रही है, उस पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी। बताओ इसकी डेबिट कितनी है? 2650। क्रेडिट कितनी है? 16,800। इसका मतलब इसकी कैपिटल 20,650 से डेबिट होगी और 16,800 से क्रेडिट होगी। अगर मैं आपसे कहूं एक बंदे की कैपिटल 20,650 से डेबिट करो, 16,800 से क्रेडिट करो, तो नेट बता दो ना मुझे, नेट कितना डेबिट होगी? नेट होगी, इन दोनों को माइनस कर दो, 20,650 माइनस में 16,800, तो ये आएगा 3,850। इसकी कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे, ठीक है। इन दोनों का भी डिफरेंस ऐसे ही ले लो, इसकी कैपिटल 10,650 डेबिट करनी है और क्रेडिट कितनी करनी है? 13,600। तो 13,600 क्रेडिट करनी है, 10,650 डेबिट करनी है, तो ये आएगा माई फ्रेंड्स 2,950 क्रेडिट करनी है। इन दोनों का भी देख लो माई फ्रेंड्स, 12,000 क्रेडिट करनी है, 11,100 डेबिट करनी है, तो नेट कितना डेबिट करनी क्रेडिट करनी है? 900। तो हमें पता है क्या पता लग रहा है, मोनू की कैपिटल को क्रेडिट करना है कितना? 2,950। अहमद की कैपिटल को क्रेडिट करना है कितना? 900। इन दोनों की कैपिटल को क्रेडिट करना है 2,950 प्लस 900, क्या दोनों को प्लस कर दोगे? आंसर आ रहा है 3,850। तो इलीन को डेबिट करना है 3,850 से, मोनू को क्रेडिट करना है 2,950 से और अहमद को भी 900 से। इसकी एंट्री पास कर दे मेरे दोस्त, एंट्री हो गई। ये देखो ये सॉल्यूशन है मेरे फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ये ही है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? इलीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आया था माय फ्रेंड? 3,850। टू किसका डेबिट था? मोहन का, मोहन नाम था ना उसका, मोनू मोनू मोनू, अच्छा
मोनू, मोनूस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना आया था माय फ्रेंड्स मोनू का, अभी निकाल के बताया था 2950 का, इतना ही निकाला था क्या हमने भी, हमने भी इतना ही निकाला था क्या, 2950, ठीक आया हमारा आंसर भी, ठीक। अहमद का मेरे दोस्तों, टू एमएस कैपिटल अकाउंट 900, क्या आपको ये एंट्री समझ आई, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, क्या मेरे फ्रेंड से बात क्लियर हुई आपको? हाँ सर हमें क्लियर हुई, आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी है बट आप इसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, तब तक के लिए बाय बाय।